नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे टेक जगत से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहले खबर से, तो व्हाट्सएप को लेकर ये बड़ी खबर है। व्हाट्सएप के 3 धमाकेदार नए फीचर लॉन्च, फोटो और वीडियो भेजने वालों की आ गई है मौज। अगर आप व्हाट्सएप से फोटो या वीडियो भेजते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल व्हाट्सएप की तरफ से 3 नए फीचर लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे व्हाट्सएप से फोटो और वीडियो शेयरिंग आसान हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि व्हाट्सएप के नए फीचर को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। व्हाट्सएप के 3 फीचर जो है लोगों की लाइफ को आसान बना देंगे। दरअसल बात यह है कि व्हाट्सएप के नए फीचर की बात करें तो व्हाट्सएप की तरफ से डॉक्यूमेंट कैप्शन फीचर को रोल आउट कर दिया गया है। साथ ही बड़ा ग्रुप सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन फीचर भी इसमें जोड़ा गया है। मतलब ये किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले उससे जुड़ी जो तमाम जानकारी जो है आप दे पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप की ओर से मीडिया फाइल शेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स एक साथ 100 मीडिया फाइल को एक साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर 30 मीडिया फाइल को एक साथ आप भेज सकते थे, लेकिन अब 100 फाइलों को आप एक साथ किसी को भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अवतार फीचर भी व्हाट्सएप के ऊपर आया है। दरअसल व्हाट्सएप की तरफ से अवतार फीचर को रोल आउट किया गया है। मतलब आप व्हाट्सएप पर अवतार और क्रिएटर स्टाइल से यहाँ पर जवाब जो है देख पाएंगे। साथ ही प्रोफाइल फोटो में अवतार या फिर स्टिकर को लगा पाएंगे। इसे यूजर्स के लिए जो चैटिंग का जो यहाँ पर चैटिंग का जो मजेदार है वो मतलब एक्सपीरियंस जो है वो मजेदार होने जा रहा है। वह इस फीचर को यूजर्स को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। व्हाट्सएप को जो मतलब व्हाट्सएप है उसको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। व्हाट्सएप को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी अगर आपको भी ये फीचर अगर नहीं मिले हैं अब तक, तो आप अपने जो व्हाट्सएप ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लें, जिससे ये फीचर आपको जल्द मिल जाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो YouTube से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। YouTube के CEO सुसान वोर्स्की ने दिया है इस्तीफा, भारतीय मूल के नील मोहल संभालेंगे पदभार। YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुसान वोर्स्की ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर रहने पर 9 साल के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। सुसान के इस्तीफे के बाद यूट्यूब के जो अभी उत्पाद अधिकारी भारतीय मूल के नील मोहल है वो यहाँ पर नए प्रमुख यूट्यूब के होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो 2022 में एक भारतीय ने हर महीने खर्च किया है 19 GB डेटा। नोकिया ने जारी की है रिपोर्ट। नोकिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार पिछले 5 सालों में मोबाइल डेटा उपयोग में 3 गुना वृद्धि भारत के अंदर हुई है। दरअसल भारत में मोबाइल डेटा ट्रैफिक पिछले 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है, क्योंकि अखिल भारतीय डेटा उपयोग प्रति माह जो है 2018 में 4.5 एक्सबाइट से बढ़कर 2022 में 14.4 एक्सबाइट यहाँ पर हो गया है। वह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक भारतीय ने 2022 में औसतन हर माह 19 GB या फिर 19.5 GB डाटा जो है उपयोग किया है। दरअसल नोकिया ने गुरुवार को अपने सालाना मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स जो है वो जारी की है, जिसमें ये जो बात है वो बताई गई है। वह नोकिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोबाइल बाजार में विकास के बारे में यहाँ पर कई बातें बताई गई है, जिसमें मोबाइल डाटा की खपत, विकास 4G में 5G चल रहे संक्रमण के साथ साथ नए नेटवर्क के साथ 5वीं पीढ़ी के मोबाइल यानी 5G को अपनाने की संभावना को भी शामिल किया गया है। वह रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश में कमर्शियल 5G सेवाएं लॉन्च के साथ ही भारत में डाटा की खपत में वृद्धि हो गई है। इसके और इशारा हो गया है इसलिए क्योंकि संचार सेवा प्रदाता जो है 5G तैनात करते हैं और नए क्षेत्रों में तेजी से विस्तार करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल डाटा ट्रैफिक में 4G और 5G सब्सक्राइबर्स की हिस्सेदारी जो करीब है 100% है। इसके अलावा 2018 के बाद प्रति यहाँ पर यूजर्स औसत डाटा खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2022 में प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह 19.5 GB तक की जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। यानी एक भारतीय हर रोज यहाँ पर हर महीने जो है लगभग 19.5 GB डाटा मिनिमम जो है वो यूज करता है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम के नए फीचर को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से नहीं भरेगी आपकी पासबुक, को पेमेंट करना होगा और भी आसान। पेटीएम पेमेंट बैंक यानी PBL ने कई छोटे मूल्य वाले UPI लेनदेन के लिए UPI लाइट की फीचर की जो शुरुआत है वो कर दी है। यानी एक लाइट नाम का ऐप जो है लॉन्च किया है, यानी UPI लाइट फीचर लॉन्च किया है। वही बैंक ने बताया कि UPI लाइट फीचर के जरिए सिंगल क्लिक में तेजी से रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकेंगे। वही पेटीएम पेमेंट बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करना वाला देश का जो पहला बैंक है ये पेटीएम बन गया है। वह इस फीचर की खास बात यह है कि अब हर रोज
होने वाले छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बैंक के पासबुक से आपके जो बैंक की पासबुक है वो नहीं भरेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रांजेक्शन केवल एटीएम जहाँ पर जो मतलब ट्रांजेक्शन है वो केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में ही दिखाई देंगे। इस फीचर को NPCI या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया था। वह इस फीचर को RBI ने सितंबर 2022 में लॉन्च किया था। वह इस नए फीचर के जरिए आप रोजाना होने वाले छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को सिंगल क्लिक में आसानी से यहां पर देख सकेंगे, कर सकेंगे। वही बैंक ने बताया कि एक बार लोड होने के बाद UPI लाइट वॉलेट यूजर्स को ₹200 तक के इंस्टेंट ट्रांजेक्शन की अनुमति देता है। ये जो पेमेंट प्रक्रिया है वो आसान और तेज हो जाएगी इसे, और इसका मतलब ये भी है कि आप दिन में अधिकतम ₹4,000 तक जिस इस पेटीएम UPI लाइट ऐप इसमें यहाँ पर यूज कराएंगे ₹2,000 आप लोड कर सकते हैं इसमें। वही बयान में कहा गया कि इसके अलावा UPI लाइट के साथ यूजर्स बड़ी संख्या में छोटे मूल्य के UPI पेमेंट्स को सुपर फास्ट तरीके से लेन देन की संख्या के कैप के बारे में चिंता किए भी नहीं यहाँ पर कर सकते, इसे यूजर्स का अनुभव जो है बेहतर होगा। वही लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए NPCI के CEO ने यहाँ पर कहा है कि ये फीचर ट्रांजेक्शन की जो सक्सेस है उसकी रेट और सुधार करेगा और यूजर्स के अनुभव को बेहतर करेगा। वही हम UPI प्लेटफॉर्म को एक दिन 1 अरब ट्रांजेक्शन के प्रोसेस को करने का लक्ष्य के करीब ले जाएंगे।